सो हेलो भाइयों, तो बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है ये। टर्न पे इसने गाड़ी स्लो कर दी। अगर आप थोड़ा ध्यान ना रखें, कॉशियस ना रहें, तो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। सो हेलो भाइयों, तो बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है ये। अभी बज रहे हैं रात के 2:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं नंदी हिल्स के लिए, जो कि सभी प्लान करते ही हैं, यही प्लान करते हैं, रात का प्लान करते हैं बेंगलोर में। तो हमने भी आज वही प्लान किया है, रात को लेट हो गए हैं, पर यही टाइम है बेस्ट जाने के लिए। और आज हम प्लान कर रहे हैं जाने का और बहुत एक्साइटेड है, रात को मज़ा आएगा। तो चलिए नंदी हिल चल के देखते हैं कितनी भीड़ है और कैसा वेदर। वेदर वैसे अच्छा है, तो सुबह देखते हैं कैसा रहता है। पहुंच जाएंगे यहाँ से, सरजापुर से मैं निकल गया हूँ, यहाँ से लगेंगे अपने को 2 घंटे। भाइयों ये मज़ा है देखो, रात के सफ़र का क्या, गाड़ियों की लाल 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 बत्तियां ही बत्तियां दिख रही है। अभी तो व्यू चला गया ब्रिज के ऊपर आने की वजह से, देखो आपको दिख रहा होगा, फिर भी इतनी गाड़ियां चल रही है रात की 3 बजे। ये देखो फिर से दिखेगा आपको वो व्यू, वो देखो सारी लाल लाल बत्तियां, कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिखागा, अब दिखेगा आपको। ये देखो क्या व्यू है, ये है रात का व्यू। तो भाइयों ये आ गया है नंदी हिल्स, वे टू नंदी हिल्स वाला रोड, ठीक है। अब देखो आप रास्ता, क्या शानदार रास्ता है। अभी आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको कल सुबह दिखाऊँगा कितना मस्त रास्ता है। इधर आर्मी वार्मी का भी कुछ रहता है मामला, पर रोड अच्छी है, कितनी शानदार रोड है। देखो सुबह दिखाऊंगा आपको ये वाली सारी रोड्स, अभी आप रात के मजे ले लो भाइयों। तो भाइयों हम आ गए थे नंदी हिल्स पर, गेट खुलेगा 5 बजे किसी ने बोला है, मुझे इतना पता 6 बजे खुलता है गेट। भाइयों हम चढ़ चुके हैं नंदी हिल्स, ये देखो क्या घाटे हैं, क्या वादियां, आ हा हा, मतलब ठंड का मजा ले लो। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे 5:30 बजे इन्होंने डॉट गेट खोल दिया था, अभी हम 10 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे टॉप पे, सनराइज से पहले आशा करते हैं सनराइज देख पाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह, और पीछे बन बनाट गाड़ी आ रही है और अपन चल रहे हैं आगे नंबर 3 पे, जल्दी आने का फायदा। 1.5 घंटा वेट करना पड़ा जरूर गाड़ी में, पर ये देखो सबको पीछे छोड़ते हुए नजारों के मजे लेते हैं। हम आज पहुंचे हैं नंदी हिल्स के टॉप पर, आप गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में। तो ये देखिए क्या विकट मोड है, आहा क्या नजारे हैं, और लाइट चालू कर दे, और ऐसे गाड़ियां चल रही है, चल रही है, और कुछ लोगों की गाड़ियाँ रिवर्स भी आ जाती है यहाँ पे। ये देखो सजन, ये सजनगढ़ का घाट है साहब, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये देखो वो गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए ये पायलट बढ़ गया है आगे अपना, क्योंकि उसकी गाड़ी ने तोड़ दिया था दम।
लंबा टर्न काटे, देखो इसी गाड़ी ने भी दम तोड़ा, लंबा टर्न काटे ताकि आपकी गाड़ी दम ना तोड़े और एक्सीडेंट के चांसेस कम रहे। एसी चढ़ाइयों पे हमेशा आप अपना एसी ऑफ रखें ताकि गाड़ी मजे से चढ़ सके। लोगों को पता चलता नहीं है एसी ऑन करके गाड़ी चढ़ाते हैं भी दिक्कत आती है, जैसे आगे वाला फंस रहा है इनोवा वाला और हट नहीं रहा है, जगह भी नहीं दे रहा है। एक को तो मैंने ओवरटेक कर लिया था, उनकी भी गाड़ी मर गई थी, मतलब मरी नहीं, मतलब दम तोड़ा था इंजन ने थोड़ा थोड़ा, पीटीओ थी शायद वो टैक्सी पे थी। ये होंडा सिटी वाले भी बराबर लगे। माहौल बिगाड़ लेने टर्न पे इसने गाड़ी स्लो कर दी। अगर आप थोड़ा ध्यान ना रखें, कॉशियस ना रहें तो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। ये देखो आ गए अपन किले के अंदर। ये देखो भाइयों, नंदी हिल्स के अंदर किला बनाया हुआ है इन्होंने, शानदार इन्होंने शानदार सा किला बनाया हुआ है। गेट आपने देख लिया है और यहाँ से गाड़ी अपनी जाएगी सीधी पार्किंग में टॉप। माय गॉड, इन्होंने तो टॉप बंद कर रखा है। चलो लेट्स सी, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक गाड़ी लेके जाएंगे। अरे यहाँ रखनी पड़ेगी तो मज़ा नहीं आएगा। अरे मज़ा बोल, ऊपर जानी चाहिए थी गाड़ी यार। तो अपन गाड़ी लगा देते हैं सेफ जगह अपनी, फटाफट पार्किंग कर देते हैं सेफ जगह। सब हम पार्किंग में आ गए। तो भाइयों ये टिकट ले लिया है, 20 रुपये टिकट है टू व्हीलर का, 30 रुपीस फोर व्हीलर का। ये गाड़ी आ रही देखो, फोर व्हीलर का ये ऊपर रहते हैं ना उनके लिए, फोर व्हीलर का 60 रुपीस। तो मस्त हरियाली हो रही है और सनसेट ना मिस, सनराइज ना मिस हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे। तो जो भी ये नंदी हिल्स का ट्रस्ट संभाल रहा है गवर्नमेंट, पहले गाड़ी आने दें वरना आपका रेवेन्यू डाउन होता जाएगा। पहले मैं जब दो बार आया था गाड़ी टॉप तक जाती थी और अभी हमारी हालत देखो आप, चल चल के इतने थक गए हैं कि अगली बार ना तो मैं किसी को बोलूँगा जाओ और ना मैं खुद आऊँगा। ये फुल एंड फाइनल है मेरा, आज के बाद कभी नंदी हिल्स नहीं आऊँगा अगर ये गाड़ी अलाउ नहीं करेंगे तो। कम से कम ये 2 किलोमीटर की चढ़ाई है सीढ़ियों के बाद मेरे अंदाजे से, हम चल ही रहे हैं यहाँ पे। तो यार रोड खाली है, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, गाड़ी आना देने थे पार्किंग में लगा देते नीचे गाड़ी सारी, और पहले जो गाड़ी ऊपर आती थी पोल में से होके वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। तो अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नंदी हिल्स घूमने जाना है तो मत आइए, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि इतना पैदल कौन चलेगा यार, घूमने आए मरने थोड़ी आएंगे यहाँ है। सनसेट भी मिस हो जाता है, ट्रैफिक इतना, बेंगलुरु टूरिज्म मुर्दाबाद, बेंगलुरु विजिटर्स जिंदाबाद, अब मत आइएगा। सनराइज व्यू पॉइंट है यहाँ से, सनराइज दिखता है यहाँ, सनराइज दिखता है यहाँ से, ये सनराइज व्यू पॉइंट है। पर क्या इतनी भीड़ में क्या दिखता नहीं, और जंगला उंगला बना रखा है ना, तो बेटर है कि इस रोड से ही देख ले पहले। अरे आज तो कम भीड़ है, कुछ है ही नहीं है, बड़ा दिखता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। मैंने कहा आज कुछ प्रोग्राम है यार, तो पब्लिक ये है ऊपर का माहौल, जो एंड में आके ये ऊपर का माहौल यहाँ पर जरूर आ। टू मिनट्स इसका वो उनका सनराइज का शॉट लेना होगा, कुछ सनराइज के साथ लेना होगा। इधर आ जाओ,
कौन सा है? वीकडे में करना चाहिए ना, जब तभी पब्लिक नहीं आए। वो धुआं उड़ा रहा, वो देखो ऐसे धुआं उड़ाया जाता है, ये देखो धुआं उड़ा रहा है। ये प्रदीप है। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। तो कोई शूटिंग चल रही है? तो क्या कोई शूटिंग वूटिंग चालू है इधर? पीछे तो जाने नहीं दे रहे, आगे आगे बढ़िया व्यू आता है, पर सब बेकार कर दिया इन्होंने। फिर अभी सूरज ऊपर आ जाएगा तो गर्मी लगने लग जाएगी, तो इस जगह का कोई वैल्यू नहीं है, फिर आने का कोई वैल्यू नहीं है। आए तो बारिश में आए, बहुत सी चीज़ें हैं नॉट गुड। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अभी तक इन्होंने शूटिंग ख़त्म नहीं करी है, टू मिनट करके आधा घंटा हो गया यहाँ पे, और पब्लिक देख रहे हो आप, सब पब्लिक रुकी हुई है इनकी शूटिंग के चक्कर से। शूटिंग करनी है आपको तो आप दिन में कर ले, में ये गलत बात है, इतने पब्लिक पैसा दे के आई है। इतने आराम से हमें चैन से बैठे हुए हैं, और ये हमें यहाँ पे भी डिस्टर्ब करने आ गए हैं शूटिंग के लिए, और मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। इतने सुकून से मैं मुश्किलों का सामना करके यहाँ पे आके बैठा हूँ, ये धुआं फेंक रहे हैं, हैं? ये देखो कैमरा लग गया है सामने। ये कैमरा लग गया है सामने। हाँ हमारा ले लो, हमारा हमारा फोटो ले लो भैया। तो यहाँ से हम झाड़ियों में से निकलते हुए एक और अद्भुत रचना यहाँ की देखेंगे आज, जो कि है ये फिश पॉन्ड। इसके अंदर बहुत सारी फिशेज हैं, गोल्ड फिश, कैट फिश, शार्क फिश, छोटी वाली सारी है इसके अंदर। चलो चलो, हो गया तो भी नहीं है, है। देखो तो गाइज आज का नंदी हिल्स ट्रिप ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे, अब यहाँ से जाएंगे घर, थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे बाहर, फिर जाएंगे घर। तो फुल एक्सपीरियंस आपको मैं बता देता हूँ, गाड़ियाँ इन्होंने बंद कर दी है, आपको पैदल चला चला के मार डालेंगे। दूसरी बात, सनसेट देखने का मज़ा आ जाता है। तीसरी बात, बारिश में आओ तो और मज़ा आएगा, पर आपको सनसेट देखने को नहीं मिलेंगे, पर क्लाउड्स देखने को मिलेंगे ज़रूर, सनसेट नहीं सनराइज। तो आप बारिश में आओ तो आपको सनराइज़ देखने को नहीं मिलेगा, पर बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। सीढ़ियों चलें।